In this video, we are going to learn about the essential oils, its definition and introduction, natural sources of essential oils, method of preparation of essential oil, in that water distillation. Hello and welcome to Cosmetic Academy. In this video, we are going to learn about the essential oils. Oils basically two category mein divide kiye jaate hai. That is fixed oil and essential oils. सबसे पहले हम essential oil को जान लेते हैं, उसके definition को जान लेते हैं कि essential oil actually में होता क्या है, उसके बाद हम आगे की learning start करेंगे. So according to its definition, the odorous volatile chemical component of plant and animal sources are known as essential oil or volatile oil. ये definition का मतलब क्या है? सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन असेंशियल ऑयल क्या है? असेंशियल ऑयल एक वोलाटाइल केमिकल कंपोनेंट है. वोलाटाइल मीन्स ऐसा कंपोनेंट जिसे हम ओपन स्पेस में रखेंगे तो ये उड़ जाएगा. यही केमिकल कंपोनेंट वोलाटाइल होने के साथ साथ ऑडरस भी है. मीन्स ये हमें एक स्मेल प्रोवाइड करेगा. मीन्स हर एक पर्टिकुलर असेंशियल ऑयल की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होंगी और यही केमिकल कंपोनेंट हमें प्लांट या फिर एनिमल सोर्स से मिलता है. इसीलिए इसे असेंशियल और वोलेटाइल ऑयल कहा जाता है. असेंशियल ऑयल की एक और डेफिनेशन है, ये दोनों में से जो आपको ईजी लगे आप लिख सकते हो एग्जाम में. सो सेकेंड वन इज एन असेंशियल ऑयल इज कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोफोबिक लिक्विड कंटेनिंग वोलेटाइल केमिकल कंपोनेंट from plant and animal. According to this definition, what is essential oil? So essential oil is a hydrophobic liquid, मतलब ऐसा liquid जो पानी में जाने के बाद dissolve नहीं होगा और volatile chemical component है, means हवा में रखने से ये evaporate हो जाएगा और यही component plant या फिर animal source से हमें मिलता है. Basically ये दोनों भी definition same है, so हम देख लेते हैं इसमें similarities क्या है. दोनों भी डेफिनेशन में वोलाटाइल केमिकल के बारे में डिस्कस किया गया है कि असेंशियल ऑयल वोलाटाइल केमिकल कंपोनेंट है. इसके बाद दोनों डेफिनेशन में यही बताया गया है कि ये प्लांट और एनिमल सोर्स से ही मिलता है. दोनों में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस इतना है क्योंकि पहले डेफिनेशन में हाइड्रोफोबिक लिक्विड के बारे में जिक्र नहीं किया गया है और इसमें दिया हुआ है. ये हो गई है डेफिनेशन ऑफ असेंशियल ऑयल. अब इसके बाद देखते हैं इंट्रोडक्शन. Essential oil is used in a wide variety of consumer goods. So essential oil जो है बहुत ज़्यादा quantity में consumer goods में use किए जाते हैं. तो ये consumer goods कौन से हैं? ये है soap, toilet products, cosmetics, perfumes, food products and pharmaceutics. यहाँ हर जगह essential oil कोई ना कोई product में use किया जा रहा है. तो ये use किया जा रहा है तो जाहिर से बात है इसका production rate बढ़ेगा. कंजम्पशन तो हो ही रहा है इसलिए प्रोडक्शन बढ़ रहा है. ठीक है, अब क्या होगा? कंजम्पशन बढ़ा है तो प्रोडक्शन भी बढ़ा है. अब प्रोडक्शन बढ़ा है तो क्या होगा? प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बढ़ेगी. मतलब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कैसी बढ़ेगी? करके प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज आएगी और यही टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होंगी. तो इम्प्रूव होंगी तो हमें क्या मिलेगी? बेहतर ईल्ड मिलेगी. मीन्स अच्छी ईल्ड मिलेगी और क्वालिटी भी मिलेगी. किसकी? असेंशियल ऑयल की. सो वैसे कौन से टेक्नोलॉजीज है जिससे असेंशियल ऑयल हम बना सकते हैं? तो असेंशियल ऑयल के प्रोडक्शन मेथड्स कौन से हैं? पहला है वाटर डिस्टिलेशन, दूसरा है वाटर स्टीम डिस्टिलेशन, तीसरा है स्टीम डिस्टिलेशन, फोर्थ वन इज कोहोबेशन, उसके बाद होता है मैसरेशन, इन्फ्लुएज. ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं जिससे हमें असेंशियल ऑयल मिलेगा. सो ये सारे मेथड्स जो ट्रेडिशनल मेथड है और मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है. असेंशियल ऑयल के प्रोडक्शन के लिए हमें इतने डिफरेंट मेथड्स क्यों दिए गए? असल में क्या होता है, हर प्लांट या फिर एनिमल सोर्स जिससे हमें असेंशियल ऑयल मिलता है, इन सभी के स्लाइटली डिफरेंट नेचर होते हैं. तो हमें उनके नेचर के अकॉर्डिंग चूज़ करना पड़ता है कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है असेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए. सो डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर ऑफ एसेंस वी हैव टू सेलेक्ट द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. अभी हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करेंगे डिफरेंट प्लांट सोर्सेज के लिए.
पहला क्या होगा, जो असेंशियल ऑयल वाटर सोल्यूबल नहीं होगा उसके लिए हम वाटर डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करेंगे या स्टीम डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करेंगे। मैक्सिमम सभी ऑयल ऐसे होते हैं जो वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, सो ये वाटर डिस्टिलेशन या फिर स्टीम डिस्टिलेशन का एक जनरल एग्जाम्पल होता है रोज असेंशियल ऑयल। और कुछ प्लांट सोर्सेस ऐसे होते हैं जिन्हें हीट से इफेक्ट पड़ जाता है, ऐसे डेलिकेट सोर्सेस के लिए हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ करते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी एक टाइप का मेथड है जिससे हमें असेंशियल ऑयल मिलता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए एग्जांपल कौन से होंगे, तो ये इससे जैस्मिन ऑयल, जैस्मिन असेंशियल ऑयल इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और लंडन ब्लॉसम भी इसी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। चलो अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं, सो द सिक्स पॉइंट। इसमें हम देखेंगे कि असेंशियल ऑयल की सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी के बारे में। सो असेंशियल ऑयल आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ही सॉल्युबल नहीं होते हैं, और सॉल्युबल होंगे अल्कोहल एंड ईथर में। सो असेंशियल ऑयल वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे और सॉल्युबल होंगे अल्कोहल और ईथर में। इसके बाद है सेवन्थ पॉइंट। तो सेवन्थ पॉइंट में हमें पता चलेगा कि असेंशियल ऑयल में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। मेनली असेंशियल ऑयल के अंदर होते हैं इस्टर्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड फिनॉल। ये था असेंशियल ऑयल का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके बाद देखेंगे सोर्स ऑफ नेचुरल असेंशियल ऑयल, मतलब असेंशियल ऑयल के कौन कौन से नेचुरल सोर्सेस है, कौन से सोर्स से हमें असेंशियल ऑयल मिलेगा। सो ये बेसिकली प्लांट सोर्सेस के बारे में है। अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट से हमें असेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। सबसे पहले हम फ्लावर्स से ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम जनरल एग्जाम्पल देखेंगे। सो जनरली हमें कौन सा असेंशियल ऑयल फ्लावर्स से मिलते हैं, सो रोज़ असेंशियल ऑयल, जैस्मिन, लेवेंडर, क्लोव्स, ये सारे फ्लावर्स से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं असेंशियल ऑयल्स। लीव्स से हमें कौन सा असेंशियल ऑयल मिलते हैं, तो लीव्स से हमें मिंट असेंशियल ऑयल मिलता है, लेमन ग्रास असेंशियल ऑयल मिलता है। इसके बाद है स्टेम्स, स्टेम्स में कौन से हो गए, जवेनियम होगा एंड सिनेनम होगा। नाउ बार्क, बार्क है केसिया एंड सिनेनम, इन दोनों के भी असेंशियल ऑयल होते हैं। वुड से भी हमें असेंशियल ऑयल मिलता है, सैंडल वुड इसका सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है, एंड पाइन, सेसाफ्रस इन रूट्स, सीड्स लाइक नटमेग एंड फनल। फ्रूट से भी हमें असेंशियल ऑयल मिलता है, उसका एग्जाम्पल है ऑरेंज असेंशियल ऑयल एंड लेमन असेंशियल ऑयल। राइजोम्स में होंगे जिंजर एंड ऑरिस। गम्स में हैं बालसम ऑफ पेरू, मीर एंड मोव। सो दिस असेंशियल ऑयल आर प्रोड्यूस इन द वेरियस इंटरनल और एक्सटर्नल ग्लैंड्स ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ प्लांट, लाइक इन क्लोव। क्लोव में ऑयल ग्लैंड्स उसके स्टाक में प्रेजेंट रहते हैं, और ये है लेवेंडर का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इसमें पर्पल डॉपलेट ऑयल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दिस माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ओनली असेंशियल ऑयल फाउंड इन द डक्ट कैविटीज और द ग्लैंडुलर लेयर ऑफ द प्लांट। Why this essential oil is known as essential oil is because they represent the essence of active constituent of plant. For example, rose है, rose में उसका essential oil है। अब ये essential oil किस चीज़ से बन रहा है, उसके active constituent से। तो ये active constituent उसके essence को represent करेगा, और ये essence essential oil रहेगा, किसका, rose का। इसके बाद रहेगा method of preparation of essential oil। पहले हम distillation के बारे में पढ़ेंगे। What is distillation? The process of heating a liquid mixture, मतलब इसमें क्या होगा, लिक्विड मिक्सचर को हीट करेंगे। यहाँ पे मिक्सचर वर्ड यूज़ किया जा रहा है, तो मिक्सचर में दो लिक्विड भी हो सकते हैं या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब ये मिक्सचर को हम हीट कर रहे हैं, तो लिक्विड हीट करे बाद किस में टर्न होता है, वेपर में। यहाँ पे लिक्विड वेपर में ही टर्न होगा। अब हमें वेपर मिला है, अब ये वेपर को हम कूल करेंगे, तो कूल करे बाद क्या होगा, ये वेपर कंडेंस होगा और लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। सो इन शॉर्ट पहले क्या होगा, हम लिक्विड मिक्सचर को हीट करेंगे, हीट करे बाद वो वेपर में टर्न होगा, वेपर को हम कूल करेंगे, वो कूल होकर लिक्विड में टर्न होगा। सो ये प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन क्या होंगे, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड मिक्सचर टू फॉर्म अ वेपर एंड देन कूलिंग दैट वेपर टू गेट अ लिक्विड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। जैसे अभी हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ असेंशियल ऑयल में तीन टाइप के डिस्टिलेशन होते हैं, वाटर डिस्टिलेशन, वाटर स्टीम डिस्टिलेशन एंड स्टीम डिस्टिलेशन। इसीलिए हमें सबसे पहले डिस्टिलेशन को जानना ज़रूरी था। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअल में डिस्टिलेशन होता कैसे है। तो हम यहाँ पर वाटर डिस्टिलेशन देखने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगी डिस्टिलेशन परफॉर्म करते वक्त,
पहले हमें एक स्टैंड पुटअप करना है। ये स्टैंड पे हम एक कंटेनर रखेंगे और ये कंटेनर को स्टील कहते हैं। तो ये मेटल का होता है और इस स्टील में हम रोज़ पेटल्स डालेंगे। स्टील में रोज़ पेटल डाले बाद हम इसमें वाटर फिल करेंगे। वाटर फिल करे बाद इसके बॉटम में हम एक हीटिंग सोर्स यूज़ करेंगे और इसके बाद स्टील को हम पाइप से पैक कर देंगे और कनेक्ट करेंगे कंडेंसर के साथ। कंडेंसर अटैच किए बाद हम एक स्टैंड पुटअप करेंगे और स्टैंड में एक अगेन कंटेनर पुटअप करेंगे और सेकंड कंटेनर को भी हम कंडेंसर के साथ फिक्स कर देंगे। सेकंड कंटेनर में हमारे पास दो टैप हो गए और दोनों टैप के नीचे हम दो सेपरेट बीकर्स पुट करेंगे। लास्ट में स्टील में हमें टेम्परेचर मेजरिंग स्केल हमें फ़िक्स करनी होगी ताकि हम टेम्परेचर मेजर कर सकें। हर एक सेपरेट प्लांट सोर्स का सेपरेट टेम्परेचर रहता है जिस पे वो एसेंशियल ऑयल रिलीज़ करता है। इस सेटअप होए बाद क्या होगा, नीचे बर्नर से या फिर हीट सोर्स से स्टील के अंदर का वाटर बॉइल होगा। हमें ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो एक मोशन में रहना चाहिए। कंटिन्यूस मोशन तभी होगा जब रोज़ पेटल्स लूजली फिल किए जाएंगे स्टील के अंदर। कंटिन्यूस हीट सप्लाई के वजह से वाटर बॉइल होगा और वाटर के अंदर है रोज़ पेटल्स और रोज़ पेटल्स में है एक्टिव कंस्टिट्यूएंट और ये एक्टिव कंस्टिट्यूएंट इवेपोरेट होंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और ये एक्टिव कंस्टिट्यूएंट में रहेगा हमारा ऑयल। ये एक्टिव कंस्टिट्यूएंट इवेपोरेट होके कंडेंसर तक रीच कर जाते हैं और कंडेंसर में कूलिंग प्रोसेस की वजह से ये अगेन लिक्विड में टर्न हो जाते हैं और रिसीवर में ये जमा हो जाता है, क्या लिक्विड जो कंडेंसर से आ रहा है। और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलते रहता है 6 to 7 hours तक। आफ्टर द आवर्स रिसीवर में दो लेयर फॉर्म हो जाती है। ये दो लेयर फॉर्म होती है डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से, क्योंकि नीचे वाली लेयर में होता है वाटर और ऊपर की लेयर पे होता है ऑयल। रिसीवर में दो टैप अटैच किए जाते हैं। ऊपर की तरफ का टैप हमें ऑयल एक्सट्रैक्ट करके देता है एंड नीचे जो वाटर रहता है ये वाटर को हम हाइड्रोसोल कहते हैं या फिर रोज़ वाटर भी कहा जाता है। इस तरीके से हम एसेंशियल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय वाटर डिस्टिलेशन। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स है वाटर डिस्टिलेशन ऑफ रोज़ एसेंशियल ऑयल के। लास्ट ईयर मैं फर्स्ट ईयर में थी तब मैंने ये परफॉर्म किया था, उसी की कुछ ये फोटोग्राफ्स है। सो इससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली लेबोरेटरी में ये कैसे परफॉर्म किया जाता है। ये फोटोग्राफ में रोज पेटल का कलर चेंज हो गया है, डार्क रेड से ये पिंकिश कलर हो गया है। ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 hours के बाद ही हमें कलर मिला था। इसका मतलब क्या हुआ है, करके जो रोज पेटल का एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है ये इवेपोरेट हो गया है, वाटर इवेपोरेट होके बेंड ट्यूब में जमा हो जाता है एंड देन कंडेंसर की तरफ मूव आउट हो जाता है। कंडेंसर में कूल डाउन होने के बाद इसे रिसीवर में ड्रॉप बाय ड्रॉप कलेक्ट किया जाता है। नाउ आई एम शोइंग यू द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग अतर बाय यूजिंग हाइड्रो डिस्टिलेशन, मींस दिस वाटर डिस्टिलेशन। सो जो अतर जो है हम बेसिक डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं तो ये कैसे बनता है ये भी हम देखेंगे। वाटर डिस्टिलेशन से जनरली फ्लोरल अतर मिलते हैं, तो इसका जनरल एग्जाम्पल हम अगेन रोज़ का ही लेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप जो है अतर बनाने के लिए तो ये होता है क्योंकि रोज़ को अर्ली इन द मॉर्निंग ये हार्वेस्ट किए जाते हैं और कलेक्ट किए जाते हैं। अतर एंड एसेंशियल ऑयल आर द वन एंड द सेम थिंग। जब हम बात करते हैं सिंगल फ्लावर्स की, जब कभी भी हम सिंगल प्लांट सोर्स यूज़ कर रहे हैं, सपोज फ्लावर्स में हम रोज़ ले रहे हैं, देन इन दैट केस रोज़ एसेंशियल ऑयल एंड द रोज़ अतर इज़ वन एंड द सेम थिंग। क्वीन विक्टोरिया यूज दिस अतर, दैट इज़ द रोज़ अतर इन द फॉर्म ऑफ परफ्यूम। ओके सो मूविंग ऑन, ये रोज़ पेटल देग में फिल किए जाते हैं। फिल किए बाद ये देग में वाटर ऐड किया जाता है। इसमें सफिशियंट पानी ऐड किए बाद मिट्टी और पानी का एक क्ले बनाया जाता है। वो क्ले को देग के अपर सरफेस पे अप्लाई किया जाता है और उसी से लीड को क्लोज किया जाता है। लीड मतलब जो ढक्कन है उसको इसीलिए क्ले के थ्रू पैक किया जाता है ताकि अंदर की जो भाप है जिसे हम स्टीम कहेंगे वो बाहर ना आ सके।
इसकी लीड में कंडेंसर को अटैच किया जाता है। ये कंडेंसर को छोंगा कहते हैं, जो बेम्बो कंडेंसर रहता है, और उसे नीचे से हीट सप्लाई करते हैं, जिसे भट्टी कहते हैं। ये दोनों फोटोज़ में आपको फ्रंट पोर्शन एंड द बैक पोर्शन दोनों भी दिख जाएगा। ये दोनों फोटोज़ में आप छोंगा भी देख सकते हो, डेट इज़ द कंडेंसर। तो क्या हो रहा है, कंडेंसर ये लीड से स्टार्ट होता है और एक एंगल बना के रिसीवर में एंड होगा, और ये बेम्बो का बना हुआ रहता है। सो ये देग है, जिसे हम स्टील कहेंगे। देग के बाद है भट्टी, जिसे फ्यूरेंस कहा जाता है। इसके बाद छोंगा, दैट इज द कंडेंसर। एंड इन द लास्ट फोटो ये है हमारा भपका, डेट इज़ द रिसीवर। इन गच्ची, डेट इज़ द कूलिंग वाटर टैंक। यहाँ भी अतः सेम मैकेनिज्म से बनेगा जैसे हमने वाटर डिस्टिलेशन में रोज एसेंशियल ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया था। देग में वाटर और रोज पेटल्स है, रोज पेटल्स में से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एवेपोरेट होगा एंड देन कंडेंसर में आएगा, कंडेंसर से रिसीवर में आएगा। रिसीवर डेट इज़ द भपका। ये भपका एक वाटर टैंक में रखा हुआ रहता है, जिसमें ताकि रोज़ वाटर एंड असेंशियल ऑयल ठंडा हो सके। रिसीवर में हमारा सारा अतर कलेक्ट हो गया। अब इसे स्टोर किया जाता है कुप्पी में। ये गोट लेदर की बॉटल होती है जो एक्सेस मॉइस्चर को रिमूव आउट कर देती है। दिस ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ अतर मेकिंग बाई यूजिंग हाइड्रो डिस्टिलेशन इज प्रैक्टिस्ड इन कन्नौज इन उत्तर प्रदेश इन इंडिया फ्रॉम द एजेस। So this is all about the water distillation, but the part will be covered in the next video.